हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इनिश हेल्थ केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुबह पैदल चलने के फायदे के बारे में। फ्रेंड्स, सुबह के समय अप करने से शरीर स्वस्थ रहता है। पैदल चलने से शरीर की कई गंभीर बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एक दिन मॉर्निंग वॉक कर ले और तीन दिन ब्रेक ले लिया तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जैसे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हर दिन खाने की जरूरत होती है, ठीक ऐसे ही शरीर में मौजूद अंगों को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज और वॉक की जरूरत होती है। अगर आपको एक्सरसाइज करना ज़्यादा पसंद नहीं है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर सके, तो सुबह 30 मिनट पैदल चलने का रूटीन बना लीजिए। फ्रेंड्स, सुबह के समय अगर आप हर दिन 30 मिनट वॉक करते हैं तो इससे आपके शरीर की कई गंभीर बीमारियां ठीक हो सकते हैं। मॉर्निंग वॉक से शरीर के किसी एक हिस्से को लाभ नहीं पहुंचाता है, बल्कि पूरे शरीर ही स्वस्थ रहता है। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं 30 मिनट पैदल चलने के कुछ इम्पोर्टेंट फायदे के बारे में। नंबर 1, हार्ट रहेगा हेल्दी। फ्रेंड्स, अगर आप सुबह के समय अप करते हैं तो आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और आपका दिल हेल्दी रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। फ्रेंड्स, सुबह 30 मिनट की वॉक से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को हर दिन वॉक करना चाहिए। वजन होता है कम। फ्रेंड्स, रोजाना 30 मिनट वॉक से आप अपना बढ़ता वजन भी कंट्रोल कर सकते हैं। वॉक करने से कैलोरी बर्न होती है। डायबिटीज में फायदेमंद। फ्रेंड्स, डायबिटीज के शिकार लोगों को कम से कम 30 मिनट सुबह जरूर पैदल चलना चाहिए। अगर आप अच्छी डाइट के साथ वॉक करेंगे तो आपको लाभ होगा। जोड़ों के दर्द से मिलेंगे छुटकारा। फ्रेंड्स, अगर आप जोड़ों को दर्द की समस्या से परेशान है तो आप हर दिन 30 मिनट वॉक जरूर करें। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी और जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ और सब फेसबुक पर शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।